अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिक वर्क। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमें एलईडी का कैसे पता चलेगा कि ये एलईडी ख़राब है या सही है। तो उसका मैं आपको ज़ाहरी बता देता हूं कि दिखने में कैसे पता चलेगा कि ये जल गई है नहीं। जो कि आपने अमूमन देखा होगा कि हम जब किसी दुकान शॉप में लेके जाते हैं रिपेयरिंग वाली, तो वो सबसे पहले इस तरह की बल्ब को यूं करके खोलता है। तो यूं करके खोल के देखकर ही आपको बता देता है कि इसका क्या मसला है। तो ये तो खैर खाली है, मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे ये मेरे पास एक सर्किट है, ये एसी का है और ये डीसी का है, तो दोनों में मन कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन ये जो एसी का, इसमें मैं आपको बता देता हूँ, इस पर आपने इस जगह को देखना है। ये सारी एक एक वाट की लाइट्स लगी हुई हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लगी हुई है। तो इसमें आपने ये देखना है कि यहाँ पर अंदर बीच में डॉट नहीं है कोई। अगर यहाँ पर काला सा कोई निशान और डॉट हो, तो इसका मतलब है कि वो लाइट ख़राब हो गई है। इसी तरह अब मैं आपको ये दिखा देता हूँ, ये डीसी की है। इसमें ये देखें, आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये डॉट नज़र आ रहा होगा ब्लैक कलर का, ये ब्लैक कलर का डॉट नज़र आ रहा है, इसमें नहीं है। और बाकी इसमें है, बराबर में गाड़ियाँ खड़ी, इनका थोड़ी नज़र आती है, सही है। तो इसमें यही निशानी है कि इसमें अगर डॉट होगा तो ये ख़राब है, समझे। ब्लेड ही डायरेक्ट ही चेंज कर दे, फिर चेक करने की ज़रूरत भी नहीं। और इसमें ये जो है, ये बिल्कुल सही है, तो इसमें ऐसी कोई खामी नहीं है बिल्कुल। तो इसमें ये ड्राइवर के साथ ही लगा हुआ है। बाकी ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसकी फ़िटिंग कैसे होगी और इसको कैसे बनाना है।